शांति आज मीठे बाप दादा की स्मृति में स्थित होकर 17 तारीख के बाप दादा की वाणी को अनुभव करते हुए स्वयं में धारण करेंगे। बाप दादा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्थानी बनाना है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे हो, श्रीमत पर सबका कल्याण करने वाले। बाबा कहते बच्चे तुम्हारा कर्तव्य है बाप समान गरीबों को साहूकार बनाना। बाबा को कहते हैं भगवान कि भैया ये कितना महान ईश्वरीय कर्तव्य है, संगम पर बेहद का बाप त्रिमूर्ति निराकार शिव बाबा का हाथ मिलने से। बाबा कहते तुम बच्चे स्वर्गवासी बन जाते हो। बाबा कहते बच्चे तुम भी बाप समान मास्टर खिवैया हो। तुम हरेक को बाबा के समान नया पार लगाने का रास्ता बताते हो। बाप कहते बच्चे बेहद का बाबा शिव की याद में तेही अभिमानी बनकर बैठो, अपने को आत्मा समझना है। देही अभिमानी बनने से तुम आत्माएं शुद्ध पवित्र बन रहे हो। बेहद की बाबा की याद में मन बुद्धि को स्थित करेंगे। देही अभिमानी स्थिति में स्वयं को स्थित करेंगे। बाबा कहते पावन सतयुगी दुनिया थी, फिर से पावन दुनिया जरूर होगी। सृष्टि का चक्र फिरेगा। अभी तुमको कहा जाता है सब दर्शन चक्रधारी, मस्तक पर ब्रिकटी आसन पर विराजमान, मैं आत्मा सब दर्शन चक्रधारी हूँ। सब आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। बाबा सुप्रीम रूह
हम बच्चों को सिखाते हैं, कहते हैं मीठे बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। बाबा कहता है ज्ञान से तुमको वर्षा मिलता है। बेहद का बाबा शिव श्री मत देते हैं ना, बच्चे तुम ऐसा श्रेष्ठ बनेंगे। बेहद का बाबा श्रेष्ठ परिस्तानी बनाते अपने को परिस्तान। नई दुनिया सत्युग्मी दैवी स्वरूप में इमर्ज करते हुए सुख धाम का अनुभव करेंगे। मैं आत्मा परिस्तानी हूँ, पवित्र आत्मा पवित्र काया है, प्रकृति भी पवित्र सत्व प्रधान है। सुख धाम है, बाबा कहता है सृष्टि ड्रामा का रहस्य बेहद का बाबा सुप्रीम रूह ब्रह्मा तन के द्वारा समझाते हैं। बाबा बताते सुख धाम में कभी काल नहीं आता, अमरपुरी बन जाता है। तुम बच्चे मृत्यु पर जीत पाते हो, तुम बेहद बाबा के द्वारा योग बल से कितना सर्व शक्तिमान बनते हो अनुभव करेंगे। मैं आत्मा अकाल मूरत आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती हूँ। मैं आत्मा मृत्यु पर बाबा के ज्ञान बल से योग बल से जीत पाने वाली अकाल मूरत आत्मा मास्टर महाकाल आत्मा बाबा की याद में समाई रहने वाली बाबा की याद से सर्व शक्तियों में संपन्न बनने वाली सत्व प्रधान बनने वाली बनाने वाली अकाल तख्त नशीन आत्मा बाबा की याद की शक्ति से स्वयं को भी सत्व प्रधान बनाती हूँ, तत्वों को भी सत्व प्रधान बनाती इस बेहद की सृष्टि को बाबा की याद की शक्ति द्वारा स्वर्ग सत्युग बनाती है, धनवान बनाती है, सर्व खुशियों से भरपूर होती है। बाबा की श्रीमत पर
एक एक आत्मा को बाबा की याद की शक्ति का दान दे, परिस्तानी बना दे। बाबा की याद से स्वयं का कल्याण करती, बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते। मीठे बाबा ने, ज्ञान सागर बाबा ने ज्ञान दे हमको, बहुत साहूकार खजानों का मालिक बना दिया है। बाबा आपने संगम पर हमारा हाथ पकड़ हमारे जीवन रूपी नैया को पार लगा दिया है। बाबा आप हमारे खेवैया हो, बागवान हो। मीठे बाबा आपके संग के रंग से हम भी आप समान मास्टर खेवैया बन गए हैं। प्यारे बाबा आपके ज्ञान योग के द्वारा हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता बताने के हम निमित्त बन गए हैं। मीठे बाबा आपकी श्रीमत पर तन मन धन सफल कर परिस्थान की स्थापना करने वाली मैं बाबा की वारिस आत्मा हूँ। बेहद के मीठे मीठे बाबा आप सबके दिल लेने वाले हो। बाबा आप सबकी सदगति करते हो। मीठे बाबा आप सबके बेहद के बाबा हो। बाबा आप संगम पर तत्वों सहित सबका कल्याण करते, ज्ञान देते। वहाँ मैं भाग्यवान आत्मा संगम पर भगवान टीचर का ज्ञान लेने वाली, भक्ति के धक्कों से छूट ज्ञान मार्ग में आने वाली। बाबा कहता बच्चे शिव बाबा ब्रह्मा का भी बाप है। बाबा कहता है संगम पर ये है ज्ञान मार्ग। बाबा कहते भक्ति में भावना अनुसार साक्षात्कार हुआ बस खुश हो जाते हैं, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। पतित पावन बाबा के बच्चे
तुम भी मास्टर पतित पावन हो, सबका फादर रूहानी बाबा एक ही है, निराकार त्रिमूर्ति शिव भगवान। बाबा कहता कृष्ण बच्चे को फादर थोड़े कह सकते हैं, निराकार ज्योति सुप्रीम रूह अपने मन बुद्धि को बाबा के सत्य ज्योति स्वरूप में स्थित कर सत्य चित आनंद स्वरूप महाज्योति शिव बाबा के सम्मुख मैं आत्मा ज्योति बिंदु रूप में बिंदु बाबा से मिलन बनाती हूँ। मेरा बाबा सुप्रीम रूह है, गीता ज्ञान दाता है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का रचयिता, सर्व आत्माओं का बेहद का बाबा मेरा बाबा शिव बाबा है। बाबा कहता तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना है, बेहद के बाबा का परिचय देना है, अंधों के लाठी बन सर्व का ज्ञान नेत्र खोलना है। बाबा कहते बच्चे जब भी किसी को समझाओ आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाबा कहते हैं यह तो कभी भूलना नहीं चाहिए, तुम आत्मा अविनाशी हो, संगम पर बेहद का बाबा सुप्रीम रूह ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप स्वयं आकर ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते मुझ एक को याद करने से तुम पावन बनोगे, विक्रमाजीत बनोगे। बाबा कहता बच्चे अपने को आत्मा समझो। बाबा की वाणी सुनते सुनते अपने को उस सत्य स्वरूप में मैं आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ स्थित करते जाएंगे। देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करते जाएंगे। अब बाबा कहते तुम आत्मा शांति धाम की रहने वाली हो, अपने को अपने बेहद के घर शांति धाम में अनुभव करेंगे, शांति के सागर बाबा के सम्मुख मैं मास्टर शांति का सागर बाबा के समीप अपने घर शांति धाम में मेरा बाबा कल्याणकारी शिव है, मैं आत्मा शिव
बाबा का बच्चा हूँ। बाबा की श्रीमत पर मैं आत्म अभिमानी बनता हूँ। मैं आत्मा हूँ, बाबा की याद में स्थित हूँ। बाबा की याद से विक्रमाजीत बनता हूँ। बेहद के बाबा के डायरेक्शन पर शिव बाबा को याद करता हूँ। बाबा के डायरेक्शन पर रूहानी सेवा निमित्त भाव से, निर्माण भाव से करने वाली बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। शिव बाबा की श्रीमत पर अपने को आत्मा समझ शिव बाबा से बुद्धि का योग लगाने वाली, बाबा को याद करने वाली योगी तू आत्मा हूँ। बाबा कहते, जितना तुम मुझ एक को याद करेंगे उतना सत्व प्रधान बन उच्च पद पाएंगे। बाबा कहता, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है, पुरुषार्थ से उच्च पद पाना है। भगवान तो एक ही है निराकार, गीता ज्ञान दाता शिव। तुम बच्चे संगम युगी ब्राह्मण हैं, शिव बाबा है ऊंचते ऊंच भगवान, वो है परम आत्मा सुप्रीम सोल। उस आत्मा का नाम शिव है, वो है निराकार, उनको शिव बाबा का ना सूक्ष्म ना स्थूल शरीर है। बाबा कहते, तुम संगम युगी बच्चे अच्छी रीति समझा सकते हो। अभी बाबा के द्वारा तुम डबल अहिंसक बनते हो। बाबा कहता, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, डबल अहिंसक गाया हुआ है। बेहद का बाबा कहते, बच्चे किसी को हाथ लगाना, दुख देना हिंसा है। बेहद का बाबा रोज रोज समझाते, मन वचन कर्म सबको सुख देना है, श्री मत पर चलना है। बाबा कहता है, सत्संग होता है अभी सत्य भगवान बाप के द्वारा, सत्य बनने के लिए। सत्य एक ही बाप है, बेहद का बाबा बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते,
जिससे तुम सत्यनारायण बन जाते हो। बाबा कहते, तुम अभी सत बाप से सत्यनारायण बनने की सत्य कथा बहुत प्यार से रुचि से सुनते हो, धारण करते हो। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम्हारा संगम का यादगार दिलवाड़ा मंदिर बहुत अच्छा है। नीचे तुम राजयोग की तपस्या करते, ऊपर में राजाई खड़ी है। बाबा, सबकी दिल जरूर संगम में लेते हैं। आदि देव और देवी बच्चे बैठे हैं। ये है संगम की रियल यादगार। बाबा कहते हैं ना, बहुत वंडरफुल है। बाबा तो है गरीब निवास, बैगर अर्थात तम प्रधान। बाबा कहते, बच्चे, पुरुषार्थ ऐसा करो, जो नंबर वन में जाओ। टीचर बाप का काम है सावधान करना, अटेंशन दिलाना। बाबा कहते, मर्तबे में फर्क तो रहता है ना, तो पुरुषार्थ करना है। बाबा कहता, बच्चे, पास विद ऑनर होना है। ये है बेहद की बाबा की बेहद की पाठशाला। ये है राजाई स्थापन करने के लिए राज योग। बाबा कहता, बच्चे, अभी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाबा समझाते, मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन एक बाप है। अब मुझ बाबा को याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चे विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते। भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है, तुम सब ऑलराउंडर हो। बाबा कहता है, नाटक में एक्टर नंबर वार आते जाते हैं, यह भी ऐसे है। बाबा कहते, तुम समझो हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। बेहद का बाबा, पतित पावन गुरु, टीचर निराकार शिव है। बाबा कहते हैं, ये है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। कितना अच्छा नाम है, ईश्वर की कितनी महिमा है। और है बिंदु, बिंदु बाबा में
कितना पाठ भरा हुआ है। अभी बिंदु बाबा कहते, हे आत्मा, देह होते हुए, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए, माँ में कम याद करो। बाबा कहते, अभी पुरुषार्थ की तेज रफ्तार चाहिए, याद की तेज, याद करने वाले का ही ऊंचा नाम होगा, विजय माला का मणका बनेंगे। अच्छा, बेहद का बाबा कहते हैं, बच्चे रोज सत बाप से सत सुनना है, सत का संग करना है। बाबा के सम्मुख अभी अपने को अनुभव करते हैं, मैं फरिश्ता संपूर्ण स्थिति में स्थित। बेहद के बाबा के सम्मुख सूक्ष्म वतन में मेरा बाबा, मेरा टीचर, मेरा सतगुरु मेरे सम्मुख। बाबा की दृष्टि लेते हैं, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, बाबा से मुलाकात करते हैं, बाबा की रूहानी पालना को रिसीव करते, बाबा को गुड मॉर्निंग विश करते, बाबा के वरदान को स्वयं में धारण करते हैं। बाबा कहते, बच्चे मर जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले आप बाबा के कर्म योगी आत्मा हो। अपने को स्थित करेंगे सम्मान में, मैं संगम योगी मर जीवा जन्म वाले सर्व कर्म बंधनों से मुक्त कर्म योगी आत्मा हूँ। ये मेरा ईश्वरीय कर्म योगी जन्म है, अलौकिक दिव्य जन्म है। अपने को अनुभव करेंगे, स्थित करेंगे इस दिव्य जन्म की दिव्य अनुभूतियों में। मैं ब्राह्मणात्मा दिव्य अलौकिक जन्म वाले स्वतंत्र हूँ, विश्व सेवा अर्थ इस पुराने शरीर में बाबा की शक्ति से संपन्न निमित्त सेवा अर्थ हूँ। ये देह बाबा का है, मैं आत्मा इस देह में बाबा के समान परकाया प्रवेश कर अवतरित हूँ, भगवान का मैसेंजर हूँ,
ट्रस्टी हूँ। ये देह बाप समान लोन मिली है सारे विश्व की सेवा के लिए, तो सर्व अटैचमेंट से मुक्त, बंधन से मुक्त मैं आत्मा दिव्य जन्म वाली कर्म योगी आत्मा हूँ। इस पुराने रथ में बाबा शक्ति भरकर इसको चलाते हैं। जिम्मेदार बाबा है, मैं आत्मा इस देह में निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ। बाबा की डायरेक्शन पर चलने वाली मर जीवा जन्म वाली कर्म योगी आत्मा हूँ। सर्व कर्म बंधनों से मुक्त आत्मा, स्वतंत्र आत्मा, कर्म योगी आत्मा हूँ। बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले कर्म योगी आत्मा, समय को समीप लाने वाले कर्म योगी, बेहद की वैराग्य वृत्ति वाली दिव्य जन्मधारी मैं आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, कर्म योगी आत्मा। दिन भर में बाबा के इन सम्मानों को स्मृति द्वारा, अभ्यास द्वारा स्थित होकर बाबा से कनेक्टेड रहते हुए अनुभूति में, शक्तिशाली स्टेज में स्थित होकर सर्व को बाबा का संदेश देने का अटेंशन रखेंगे। श्रीमद का हाथ पकड़े रहे।